दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन कमाई कैसे कर सकते हैं एक यूट्यूब चैनल बनाकर, और कैसे यूट्यूब चैनल बनाते हैं उसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी चीज विस्तार से बताने वाले हैं। तो कैसे वीडियो, कैसे चैनल क्रिएट होता है, कैसे वीडियो अपलोड होता है, और उस वीडियो से कैसे आपको अर्निंग होगा, कैसे आपकी कमाई होगी, उसके लिए कितनी सब्सक्राइबर जरूरी, कितनी वॉच टाइम जरूरी, का विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए समय न गंवाते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको YouTube.com पे आ जाना है। YouTube.com पे आना है। अब ये जो स्टेप मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ, ये सेम स्टेप आप मोबाइल में भी कर सकते हैं क्रोम ब्राउजर में, ठीक है। मैं सिस्टम में कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझाने में और समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं कंप्यूटर पर कर रहा हूँ, इसमें बड़ा स्क्रीन होता है। मोबाइल में आप सेव कर सकते हैं, सेम इसी प्रक्रिया से कर सकते हैं मोबाइल के क्रोम ब्राउजर से। तो YouTube.com पे आएंगे। YouTube.com पे आने के बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है साइन इन, तो यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे आपका एक ईमेल आईडी मांगेगा, जिस ईमेल से आप चैनल बनाना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को यहाँ पे देना होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी ईमेल है तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई ईमेल एड्रेस नहीं है, जीमेल एड्रेस अगर आपके पास कोई नहीं है पहले से, तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करके यहाँ पे एक जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के तो उसके बाद फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करके आप एक अपना जीमेल आईडी बना लेंगे। जीमेल आईडी बनाना बहुत आसान, आप जानते होंगे। जब जीमेल आईडी बन जाएगा तो आपको जीमेल एड्रेस होगा उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपने पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड देना है आपको, जीमेल बनाते हुए जो पासवर्ड रखा था। पासवर्ड देने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। जब आप पासवर्ड इंटर करेंगे, पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको फिर से ये रिडायरेक्ट कर देगा YouTube.com पे, YouTube पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक लोगो टाइप का एक आइकन यहाँ पे बन चुका है। पहले यहाँ पे साइन इन का था, लेकिन अब लोगो टाइप का यहाँ पे एक आइकन बन चुका है, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली से यहाँ पे ऊपर क्रिएट ए अकाउंट पे आपको क्लिक करना है न्यू अकाउंट बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। गेट स्टार्टेड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके ईमेल आईडी में जो नाम, वो नाम से यहाँ पे सेलेक्ट करने के बोला जाएगा, मतलब चैनल का नाम क्या रखना चाहते हैं, जो ईमेल आईडी में नाम वही नाम रखना चाहते हैं या आप कोई अपना अलग से नाम रखना चाहते हैं चैनल के लिए, तो यहाँ पे अलग से रखना चाहते हैं ये दो नंबर वाला सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस यहाँ पे कह रहा है आप चैनल का नाम क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पे जो भी आप चैनल का नाम रखना चाहते हैं वो अपने चैनल का नाम यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे जो भी चैनल का नाम आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। आपके ईमेल आईडी में, ईमेल एड्रेस में कोई भी नाम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो नाम आप चैनल के लिए रखना चाहते हैं वो नाम आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पे टिक मार्कर लगाना, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना होगा। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको उसके बाद यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है नाइस वर्क्स योर चैनल जी मॉनिटर। उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल, मतलब कि चैनल का एक लोगो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। या आप ये जो ऑलरेडी जेड है जिस नाम से बनाया है वो उसका पहला अक्षर रहेगा, या आप यहाँ पे अपना चैनल का लोगो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चैनल का डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर कुछ कोई वेबसाइट वगैरह आपका है, या यूट्यूब चैनल, कोई वेबसाइट या फेसबुक या ट्विटर का लिंक देना चाहे तो आप दे सकते हैं। ये सब आप बाद में भी दे सकते हैं, अगर अभी देना है तो अभी भी दे सकते हैं। यहाँ फोटो पे क्लिक करेंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे फोटो पे, इसे ये सब जानकारी को बाद में भी आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा एक लोगो है, इस लोगो को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लोगो को सेलेक्ट किया, ये आ चुका है, ठीक है। उसके बाद ये लोगो आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम सेवन कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हम कोई जानकारी यहाँ पे नहीं फिलअप करते, मतलब लोगो वगैरह नहीं लगाते, तब यहाँ पे सेट अप लेटर कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे लोगो लगा दिया हूँ तो यहाँ पे सेवन कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का आ चुका है, ये चैनल का मेन डैशबोर्ड है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक चैनल को अच्छा सा लुक देने के लिए, अच्छे से चैनल का लुक देने के लिए आपको यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना होगा। चैनल को अच्छा सा लुक देने के लिए, उसका डिस्क्रिप्शन या चैनल आर्ट वगैरह लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो लोगो आप लगाई, लोगो शो कर जाएगा। अगर इस लोगो को चेंज करना चाहे तो यहाँ पेंसिल पे क्लिक करके आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, एडिट पे क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चैनल आर्ट लगाना होगा।
चैनल आर्ट आप मोबाइल से भी बना सकते हैं। मोबाइल से आप बनाने के लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आपको परफेक्ट साइज का एक बना लेना है। नहीं तो आप अपने कंप्यूटर से बना के यहां पे चैनल आर्ट लगा सकते हैं। चैनल आर्ट बन जाने के बाद यहां पे ऐड चैनल आर्ट पे क्लिक करेंगे। एक अच्छा सा प्रोफेशनल चैनल बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद कुछ इस तक आएगा, यहाँ पे सेलेक्टिव फोटो, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे गैलरी दिए गए हैं यूट्यूब की ओर से, यूट्यूब के द्वारा जो आपको मिल रहा है यहाँ पे कोई एक भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर चाहते हैं अपने सिस्टम से अपलोड करने के लिए, यहाँ पे अपलोड पे आएंगे और यहाँ पे सेलेक्टिव फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी होगा चैनल आर्ट वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक दिखा देता हूँ, ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैं एक आपको उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक मेरा पहले से बनाया हुआ है चैनल आर्ट, उसको मैं अपलोड कर दिया। ये चैनल आर्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है साइज, जो साइज यहाँ पे दिया गया है या यहाँ पे बताया जा रहा है उसका पिक्सल आर्ट का साइज वही होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम इसकी साइज जो होनी चाहिए उस 6 MB से कम होनी चाहिए, और जो इसका पिक्सल वगैरह यहाँ पे लिखा गया है यही पिक्सल को आपको आर्ट अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ मैं एक न्यू फोटो अपलोड कर ले रहा हूँ जिसका मैंने साइज ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर ले, यहाँ पे न्यू फोटो को अपलोड कर रहा हूँ जिसकी साइज ऑलरेडी मैंने दे चुका हूँ। जब ये अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा डेस्कटॉप पे किस तरह आपका दिखाएगा, टीवी पे किस तरह दिखाएगा और मोबाइल पे किस तरह दिखाएगा। तो यहाँ पे एडजस्ट करना चाहे तो आप एडजस्ट यहाँ पे आप क्रॉप भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी क्रॉप नहीं करूँगा। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो चैनल आर्ट है वो सेव हो जाएगा। ये देखिए चैनल आर्ट भी सेव हो चुका है, लोगो भी हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन देना है आपको, यहाँ पे अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन देना है। उसके लिए यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करेंगे। चैनल का डिस्क्रिप्शन देना है, चैनल किस बारे में, इस चैनल पे किस तरह का वीडियो अपलोड होगा उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे चैनल डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखने का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ आप कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं अगर कहीं लिखे हो ऑलरेडी तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम चैनल का डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे डन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बिजनेस ईमेल आईडी भी ऐड कर सकते हैं, वो ईमेल आईडी जो इस चैनल का नहीं, मतलब कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बिजनेस ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं, कोई भी आपको ईमेल के द्वारा आपसे संपर्क कर सकता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है जिस चैनल, जो ईमेल से आपने चैनल क्रिएट किया वो ईमेल देना है, यहाँ पे कोई भी ईमेल दे सकते हैं जिससे आप चैनल क्रिएट नहीं किए या किए हैं, कोई भी दे सकते हैं। जिससे आप चैनल क्रिएट नहीं किए वो ईमेल यहाँ पे आपको दे देना होगा ताकि किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे एक बिजनेस इंक्वायरी के लिए कोई भी ईमेल आईडी दे सकते, तो यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी देंगे उसके बाद यहाँ पे डन कर देंगे। ईमेल आईडी देने के बाद उसके बाद यहाँ पे कोई सोशल मीडिया का, अगर फेसबुक ट्विटर का लिंक देना चाहते हैं या व्हाट्सएप का, तो यहाँ पे लिंक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कितने एक साथ आप इस चैनल में आप 5 लिंक ऐड कर सकते हैं, 5, ठीक है। फेसबुक ट्विटर वगैरह इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कौन क्या ऐड करना चाहते हैं। अगर फेसबुक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना होगा फेसबुक। उसके बाद यहाँ पे फेसबुक का जो URL होगा, फेसबुक ग्रुप देना चाहते वो या फेसबुक प्रोफाइल देना चाहिए तो उसका URL जो देना चाहिए URL देंगे। उसके बाद यहाँ पे डन कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ फेसबुक दिए हैं तो फेसबुक का आ चुका। इसी तरह व्हाट्सएप भी देना चाहते, व्हाट्सएप ग्रुप का, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एक और सेटिंग करना है। यहाँ पे देखिए एक सेटिंग बटन है, इस सेटिंग बटन पे क्लिक करेंगे। इस सेटिंग बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ आपसे प्राइवेसी मांग रहा है, मतलब कि यहाँ पे कह रहा है जो वीडियो आप देखेंगे, जो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, जो वीडियो को लाइक करेंगे वो किसी को नहीं दिखाई दे। तो यहाँ सभी को आपको इनेबल रखना है, ठीक है। सभी को इनेबल रखेगा, किसी को ऑफ कर देंगे तो जो भी आप वीडियो लाइक करेंगे, जो वीडियो आपका प्राइवेट रहेगा, जो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब आप करेंगे वो दूसरे को दिखाई देगा। इसलिए सभी ऑप्शन को ऑन कर देंगे, उसका नीचे में सेव कर देंगे ताकि आप जो वीडियो लाइक कीजिए, जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो यहाँ पे सेव करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपका यहाँ पे जितने भी सोशल मीडिया लिंक आप देंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। जैसे मैंने फेसबुक का दिया तो एक फेसबुक ही यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे होम पे चलते हैं। एक अच्छा सा प्रोफेशनल चैनल आपको बनाना सिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक वीडियो, यहाँ पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो भी अपलोड करके दिखाते, एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे अपलोड, यहाँ पे देख पा रहे अपलोड का आइकन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपलोड वीडियो पे क्लिक करेंगे।
एक वीडियो भी अपलोड करके आपको दिखाते हैं, ताकि चैनल जो दूसरी दूसरी के चैनल है उस चैनल के जैसा आपका चैनल प्रोफेशनल चैनल दिखने को मिले। वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो एक ही वीडियो में आप पूरा चीज़ सीख पाएंगे। तो यहाँ वीडियो अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो वीडियो अपलोड करना चाहिए तो वो वीडियो अपलोड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको डेमो के लिए एक वीडियो अपलोड करके दिखाता हूँ। वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, जो वीडियो सेलेक्ट करेंगे वो कुछ इस तरह यहाँ पे दिखाएगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए वीडियो अपलोड हो रहा है 0% अभी, यहाँ 1% है, हो गया ये 100% तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक वीडियो को टाइटल देना है, वीडियो किस बारे में है, तो वीडियो में क्या बताएं, वीडियो में किसके बारे में आप जानकारी दिए वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, यानी कि टाइटल देना होगा। तो यहाँ पे मैं एक टाइटल लिख देता हूँ, यहाँ पे टाइटल दे दिए वीडियो का टाइटल। उसके बाद यहाँ पे देखिए टाइटल देना जरूरी है और डिस्क्रिप्शन देना जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, यहाँ पे टाइटल जो शॉर्ट दे सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लॉन्ग दे सकते हैं, मतलब कि वीडियो में आप क्या क्या बताए हैं, कुछ लिंक्स दे सकते हैं या उसके बारे में जानकारी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दे देना होगा एक डिस्क्रिप्शन, जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो देना चाहते हैं, हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में, इस टाइप का जो भी लिखना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जब आप टाइटल दे देंगे वीडियो को, डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो उसके बाद यहाँ पे आपको थंबनेल अपलोड करना होगा। ये सब बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर थंबनेल अपलोड करेंगे, यहाँ पे वीडियो अपलोड हो जाने के बाद, वीडियो 100% जब अपलोड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेस्ड होगा 100%, पहले वीडियो 100% अपलोड होगा, उसके बाद प्रोसेसिंग 100% होगा, ये चेक करता है कि आपका वीडियो कॉपीराइट वगैरह तो नहीं है। जब आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो यहाँ वीडियो से आपको 3 फोटो यहाँ पे दे देंगे, कि कोई भी फोटो को आप थंबनेल के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर आपको थंबनेल कोई पहले से बनाया हुआ, तो यहाँ पे अपलोड थंबनेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड थंबनेल पे क्लिक करके आप थंबनेल लगा सकते हैं। उसके नीचे आएंगे, यहाँ पे कुछ पूछ रहा है, ये जो वीडियो ये बच्चे के लिए है, हाँ या नहीं, तो यहाँ पे बच्चे के लिए अगर है वीडियो तो यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली सा नेक्स्ट करना, मैं थंबनेल आगे लगाऊंगा बाद में, अभी नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको भी अच्छा लगे, समझने में अच्छा हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऐड स्क्रीन लगाना चाहते हैं, आई कार्ड पे कुछ वीडियो लगाना चाहते हैं तो ऐड वीडियो करके वीडियो लगा सकते हैं, इसको अभी हम कुछ नहीं करने वाले, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, इस वीडियो को आप पब्लिक करना चाहते हैं या प्राइवेट करना चाहते हैं। पब्लिक करेंगे तो यहाँ पब्लिक देंगे, यानी पब्लिक करेंगे तो ये पब्लिक हो जाएगा, सबको दिखने लगेगा, अगर प्राइवेट करेंगे तो ये प्राइवेट मिलेगा। उसके बाद यहाँ शेड्यूल है, डेट टाइम सेलेक्ट कीजिएगा, जिस दिन और जिस समय सेलेक्ट कीजिएगा उस समय उस दिन ये अपने आप ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम प्राइवेट करते हैं, प्राइवेट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए वीडियो आ चुकी है, और जो भी वीडियो मेरा रहेगा वो सारा वीडियो यहाँ पे आएंगे दिखाएंगे, और वीडियो का पूरा यहाँ वीडियो को एडिट कर सकते हैं, यहाँ से पूरी चीज़ यहाँ पे वीडियो की जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद वीडियो अभी प्राइवेट है, उसके बाद कब अपलोड हुआ है, उसके बाद उसमें कितना व्यू, कितना कमेंट, कितना लाइक है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और फिर से हम आपको ले चलते हैं डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे जाने के लिए जहाँ से आप यहाँ पे आए हैं वहीं पे फिर से आपको मेन डैशबोर्ड पे जाने के लिए यहाँ पे कैरियर स्टूडियो क्लासेस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको कर दे रहा होगा एस्किप। एस्किप करेंगे तो यहाँ पे नीचे वाले को ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, गो टू क्लासेस पे क्लिक करेंगे, या डायरेक्ट आप यहाँ पे चैनल के लोगो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैरियर स्टूडियो, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद व्यू चैनल, यहाँ व्यू चैनल पे क्लिक करेंगे, व्यू चैनल पे क्लिक करने, यहाँ पे कुछ इस तरह का, क्योंकि अभी मेरा वीडियो पब्लिक नहीं हुआ, तो यहाँ पे वीडियोज पे जाएंगे, यहाँ मेरा एक वीडियो दिखा रहा है जो कि प्राइवेट है, इसको हम पब्लिक जब करेंगे तब वो वीडियो होम पे दिखाई देगा, ठीक है। अभी वीडियो प्राइवेट है इसलिए वीडियो होम पे नहीं दिखाई दे रहा, हम वीडियो को पब्लिक करेंगे, अभी आपको दिखाएंगे। वीडियो को पब्लिक करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं वीडियो पर, या नहीं तो हम यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो पे कर सकते हैं क्लिक, ठीक है। तो वीडियो को एडिट करने के लिए, पब्लिक करने के लिए, या थंबनेल लगाने के लिए, या डिस्क्रिप्शन या टाइटल चेंज कर, कोई भी चीज़ वीडियो को चेंज वगैरह करने के लिए आपको यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करने से अच्छा यहाँ पे आप यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करें। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एक ही वीडियो में आपको मैं पूरी चीज़ विस्तार से बता रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आपको वीडियोज पे आएंगे,
उसके बाद यहाँ पे एडिट बटन है डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह यहाँ पे आप टाइटल को भी चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को, यहाँ पे आप थंबनेल लगा सकते हैं, थंबनेल लगा, लेकिन थंबनेल अभी नहीं लगेगा आपसे। क्यों थंबनेल नहीं लगेगा? क्योंकि थंबनेल लगाने के लिए आपको सबसे पहले अपने चैनल को वेरीफाई करना होता है। चैनल को वेरीफाई करेंगे पहले, तो चलिए चैनल को पहले वेरीफाई कर लेते हैं। चैनल को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कैरियर स्टूडियो क्लासेस पे क्लिक करेंगे, स्किप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे देंगे। मैं आपको छोटा छोटा प्रक्रिया से, सिंपल प्रक्रिया से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे। छूट पाने के बाद यहाँ पे आपको आपका चैनल का पूरा डिटेल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे वीडियो मैनेजर, लाइव स्ट्रीम, कम्युनिटी, और यहाँ पे चैनल मिल जाएंगे आपको। चैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली से चैनल को वेरीफाई करेंगे, चैनल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको चैनल का लोगो, चैनल का नाम मिलेगा, और यहाँ पे वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे कंट्री पूछेगा, आपका कंट्री, कंट्री इंडिया सेलेक्ट है यहाँ पे ऑटोमेटिक। यहाँ पे पूछ रहा वेरीफिकेशन आप किससे करना है, कॉल के माध्यम से या टेक्स के माध्यम से, तो यहाँ पे टेक्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना फोन नंबर दे देना, जो नंबर से आप वेरीफाई करना चाहते हैं। एक मोबाइल नंबर से एक ही यूट्यूब चैनल वेरीफाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देने के बाद आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक वेरीफिकेशन कोड भेजा जाएगा यूट्यूब के द्वारा, ठीक है। उसको आपको एंटर करना होगा, मुझे मिल चुका है तुरंत ही, या चले आएगा आपको, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप कॉल से कर सकते हैं। उसके बाद ओटीपी देंगे, ओटीपी देने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कंग्रेचुलेशन, योर यूट्यूब चैनल अकाउंट हैज बीन नो वेरीफाइड। तो उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, हमारा यूट्यूब चैनल वेरीफाई हो चुका है, अब हम थंबनेल को अपलोड कर सकते हैं। जब तक आप यूट्यूब चैनल को वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप चैनल मतलब कि वीडियो में थंबनेल वगैरह नहीं लगा सकते। तो उसके लिए यहाँ पे आपको मिला रिटर्न टू यूट्यूब स्टूडियो, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ इस तरह दिखने के लिए यहाँ पे वीडियोज पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे एडिट है डिटेल, डिटेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपलोड थंबनेल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ मैंने थंबनेल, कोई भी थंबनेल सेलेक्ट कर लेते, क्योंकि मैं तो वीडियो सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पे अपलोड किया हूँ। कोई भी यहाँ पे मैं थंबनेल एक अपलोड कर ला, जो भी वीडियो आपका वो थंबनेल अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं थंबनेल अपलोड कर चुका हूँ, थंबनेल अपलोड करें, यहाँ पे देखिए थंबनेल शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टैगलाइन वगैरह आप दे सकते हैं, टैगलाइन के बारे में हम आपको नेक्स्ट पार्ट पे बताएंगे। ये फर्स्ट पेज फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि यूट्यूब की पूरी चीज़ विस्तार समझने के लिए एक पार्ट में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक पार्ट में बहुत चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे थंबनेल अपलोड करने के बाद यहाँ मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते, कब रिकॉर्ड किए हैं कैलेंडर से। उसके बाद यहाँ पे आपको ये सब कुछ करना नहीं आपको, ठीक है। सिंपली से आप वीडियो पब्लिक करना है, उसके लिए बेसिक पाएंगे, और यहाँ पे आपको यहाँ पे प्राइवेट है तो उसको पब्लिक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पब्लिक को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डन करेंगे, डन कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका जो वीडियो है वो पब्लिक हो चुका है, ठीक है। ये वीडियो पब्लिक हो रहा है, ये वीडियो पब्लिक हो चुका है। अब यहाँ पे बैक आएंगे, अब देखिए वीडियो पब्लिक हो चुका है, यहाँ पब्लिक है। अब यहाँ पे हम मेन डैशबोर्ड पे जाते हैं, जहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे लोगों पे, और यहाँ पे आपको योर चैनल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ये मेन डैशबोर्ड पे आ गए, यहाँ पे कितना लुक लग रहा है अपने चैनल का। जो प्रोफेशनल चैनल होता है दूसरे के चैनल की तरह आपके चैनल बन गया, यहाँ पे थंबनेल, लोगो, चैनल का नाम, और यहाँ पे कुछ सेटिंग कर चुके, और यहाँ वीडियो भी अपलोड आप कर चुके हैं, और जो पॉपुलर वीडियो वो यहाँ पे कुछ वीडियो शो करेंगे, तीन चार वीडियो, उसका टोटल वीडियो आपको यहाँ वीडियो लिस्ट में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ प्ले लिस्ट में आप जो वीडियो को प्ले किए दूसरे के वीडियो को वो आपको यहाँ पे शो करेंगे, दूसरों को नहीं करेगा। यहाँ पे किन किन चैनल को आप सब्सक्राइब किए वो आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने चैनल का अबाउट रहेगा, कब ज्वाइन किए वो, मैंने आज 27 तारीख को बनाया यूट्यूब चैनल, जीमेल कब बनाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूट्यूब चैनल कब बनाया वो यहाँ पे दिया। ऐसा नहीं जो जिस डेट को जीमेल बनाए वही डेट यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे जिस डेट को आप चैनल बनाए वो डेट यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए दूसरे के चैनल की जैसा आपके चैनल भी लगने लगा है, इसी तरह आपको चैनल हो गया, एक प्रोफेशनल चैनल बन के रेडी हो चुका है। उसी के साथ साथ यहाँ पे फिर से हम एक बार यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जितने भी सब्सक्राइबर होंगे वो यहाँ पे आपको दिखाएगा।
ठीक है, मैं अभी एक सब्सक्राइब करके दिखता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं अभी एक सब्सक्राइब चैनल को किया है, तो यहाँ पे एक सब्सक्राइब दिखा रहा है। यहाँ पे आपको समरी दिखाएगा कि टोटल एक 28 आपका कितना व्यू आया, कितना वॉच टाइम आया, ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसी के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, चैनल को किस तरह मोनिटाइज किया जाए, चैनल को किस तरह यूज किया जाए, किस तरह वीडियो पे अच्छा व्यू लाया जा सके और वीडियो किस तरह प्रमोट किया जा सके, उसके बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और पूरी चीज़ हम आपको विस्तार से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपने सीखा किस तरह यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उस यूट्यूब चैनल को किस तरह एक प्रोफेशनल चैनल का लुक देते हैं। तो आज आपने सीख लिया किस तरह चैनल बनाते हैं, किस तरह चैनल पे लोगो लगा सकते हैं, किस तरह चैनल पे चैनल आर्ट लगा सकते हैं, किस तरह वीडियो अपलोड करेंगे, किस तरह आप चैनल वेरीफाई करेंगे। चैनल वेरीफाई एक बार करना होगा जब फर्स्ट टाइम, उसके बाद आपको तभी आप थंबनेल अपलोड कर पाएंगे। जब तक आप चैनल वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप चैनल पे थंबनेल वीडियो के साथ अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो वीडियो चैनल भी मैंने वेरीफाई करना आपको सिखाया, पूरी चीज़ आपको वीडियो और कैसे चैनल मोनेटाइज किया जाए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट पे। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा।